Assalamualaikum, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा प्रपोजल लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात की थी एक प्रपोजल के टेम्पलेट की और उसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। तो चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद उस प्रपोजल में किस तरह से हमने उस टेक्स्ट को, चैट जीपीटी वाले टेक्स्ट को ऐड करना है और किस तरह से अपना प्रपोजल फाइनल करना है। मेन लेआउट हमारा वही रहेगा और उसी को ही फॉलो करना है। चैट जीपीटी से हमने कुछ मेन चीज़ें लिखवानी और उनको हमने उस लेआउट के अंदर एम्बेड करके फिर प्रपोजल सेंड कर देना है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए पीपल पर आवर के लिए जो है प्रपोजल लिख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर $2.5K विच इज़ वेरी गुड, और इसने ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, इसका मतलब ये अच्छा क्लाइंट है। और यहाँ पे देखें एक अच्छी प्राइस का जो प्रपोजल है वो यहाँ पे हमारे सामने है। तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं वो इसने दी हुई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही इसके ऊपर अप्लाई करना है अगर आपकी जो स्किल्स हैं वो इससे मैच कर रही हैं तो, राइट। तो यहाँ पे हम इसकी जॉब समरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डिज़ाइनर एंड बिल्डिंग मैनेजर तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ ली है। और ये एक शख्स की तलाश के अंदर हैं जो कि इनके लिए, इनको वो ऑनगोइंग के हायर करना चाह रहे हैं पर मंथ, और वो बेसिकली इनकी जो टेक्निकल टीम है उसका हिस्सा बनने जा रहा है जिससे ये डिफरेंट टेक्निकल टास्क करवाएंगे। और बेसिकली ये एजेंसी है, ये आगे से क्लाइंट पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हमसे करवाते हैं। तो ये इस तरह के कैंडिडेट हायर करना चाह रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। और इस पूरी जॉब को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं इधर चैट जीपीटी में आया, डबल कोट शुरू की, पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पेस्ट किया और डबल कोट्स बंद कर दिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि ये पूरी जॉब है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ शॉर्ट एंड कंसाइज प्रपोजल फॉर दिस जॉब, ठीक है। सिंपल मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा और मैं एंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें चैट जीपीटी लिखना स्टार्ट कर देगा और एक काफ़ी लेंथी जो है वो एक प्रपोजल लिखेगा। तो यहाँ पे देखें इसने काफ़ी लेंथी प्रपोजल लिखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसे कहूँगा कि मेक इट शॉर्ट एंड ऐड सम बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, फर्स्ट वाली चीज़ थी जो हमने अपने प्रपोजल के अंदर इम्बेड करनी थी, वो इसने हमें लिख के दे दी और इसके अंदर पूरी समरी बता दी उस पूरी जॉब की कि उसको क्या चाहिए, हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रपोजल के अंदर, यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा प्रपोजल बन गया एक मिनट के अंदर अंदर इतनी अच्छी जॉब के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल जाते हैं यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक दफ़ा से, दोबारा से इसको ज़रा पढ़ लेंगे, देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे देखें विद एक्स ईयर्स, तो मैं इसको 5 ईयर्स कर देता हूँ, विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखें इसने अच्छे से लिख दिया है, और यहाँ पे मैं पिच भी कर रहा हूँ कि मैंने बेसिक तो बता दिया क्लाइंट को कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और इस तरह से करूँगा। तो और मैंने यहाँ पे पिच कर दिया कि मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखें
प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस पर 10 मिनट नहीं लिखूंगा, मैं इसमें 30 मिनट लिखूंगा, क्योंकि क्लाइंट भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करता है कि 10 मिनट के अंदर इतने प्रोजेक्ट की मीटिंग नहीं हो सकती। तो मैंने अच्छे से उसको कस्टमाइज करके 30 मिनट कर दिया ताकि क्लाइंट को भी लगे कि ये बंदा विलिंग है और कॉन्फिडेंट है इस प्रोजेक्ट के अबाउट, इस वजह से ये मुझे कॉल पर भी बुला के बात करना चाह रहा है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्लाइंट इस पर रिस्पॉन्स करे और हमें क्या करे, मीटिंग के लिए बुला लें। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। एंड सॉरी, यहाँ पे मैं नाम चेंज करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड अदर लिख देता हूँ एंड दैट इज ऑल। और मैं इनको इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने प्रपोजल जो है इररिलेवेंट लिखा हुआ है एहसान दानिश का, जबकि प्रपोजल जो प्रोफाइल है वो तो सीख अदर की है, राइट। तो आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास अब और कुछ है नहीं, तो मैंने सिंपल यही अटैच कर दिया। एंड यहाँ पे मस्ट बी बेस्ड इन यूके। अब यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि वो यूके के अंदर ही होना चाहिए, मतलब इनसाइट होना चाहिए, ऑनलाइन वो हायर नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे हम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए, तो हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो मेन बात थी वो ये थी कि आप किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए प्रपोजल राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने बता दिया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इस पर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना जो प्रपोजल क्रेडिट है वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेक श्योर करें कि जब इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो, तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट ऑनलाइन काम करने के लिए भी विलिंग है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप किसी भी जॉब के लिए अच्छा प्रपोजल राइट डाउन कर सकते हैं और उसको अपने जो प्रपोजल की टेम्पलेट है उसके अंदर इम्बेड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं उनमें मुझे काफ़ी सारा रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव नज़र आया है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी और उनकी कम्युनिकेशन भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।